मैं खड़ा हूँ इन फ्रंट ऑफ द KL इंटरनेशनल एयरपोर्ट. यहाँ से मुझे जाना है मेरा हॉस्टल. यस गाइस, मेरा हॉस्टल का ठिकाना है बुकेट बिंटांग. ये है कुआलालंपुर का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जहाँ पर दुनिया का मैक्सिमम टूरिस्ट जो लोग आते हैं कुआलालंपुर में, वो लोग यहाँ पर ही रहते हैं. पर यहाँ से आप दो तरीके से आप जा सकते हो बुकेट बिंटांग. बाय वन वे यू कैन टेक द कैब लाइक दिस, ऐसे आप टैक्सी पकड़ सकते हो. एंड बट इट्स गोना बी लिटल एक्सपेंसिव फॉर मी, सो मैंने डिसाइड किया आई हैव टू गो बाय लोकल बस, एयरपोर्ट बस. एंड आफ्टर दैट आई हैव टू टेक द मोनोरेल. सो कैसे मैं बुकेट बिंटांग पहुँचता हूँ, पूरा वीडियो आपको रहना पड़ेगा. सो लेट्स सी बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट हाउ टू रीच द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन, मोस्ट पॉपुलर प्लेस टू स्टे इन कुआलालंपुर. So guys, to go Bukit Bintang, I have to take the bus. This is the bus ticket counter and I got my ticket. ये मेरा ticket है. ticket का cost पड़ा यहाँ पर 12 bucks. 12 bucks का मतलब कितना होता है, 12 into 17 को count कर लीजिए. It would be the bus ticket. Bit of expensive it is. And ये ticket में लिखा हुआ है I have to go to counter number 2. Counter number 2 से मेरा bus है. And by getting this bus, I have to go to सेंट्रल स्टेशन. सेंट्रल स्टेशन से बस से उतर कर मुझको पकड़ना पड़ेगा मोनोरेल. एंड मोनोरेल से मैं जा सकता हूँ बुकेट बिंटांग. सो बस जर्नी इज गोइंग टू बी स्टार्टेड. लेट्स सी हाउ इज़ द बस जर्नी फ्रॉम KL एयरपोर्ट टू सेंट्रल स्टेशन. सो आते ही मुझको मिल गया मेरा बस. आप देख सकते हो दिस इज माय बस इज स्टैंडिंग आउटसाइड एंड दैट इज द गेट नंबर 2, पिन टू गेट. आई डोंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द पिन टू गेट. सो चलिए एक बार पूछ लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं, इज दिस माय बस और नॉट. एक्सक्यूज मी, दैट बस, थैंक यू. ओके, ये वाला भाई साहब मुझको बोला नॉट, दिस इज नॉट माय बस, दिस इज सामने खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो दिस इज माय बस. सेंट्रल स्टेशन का बस स्टॉप, ये देख सकते हो दिस इज माय बस. मैं बस से उतर भी चुका हूँ. यहाँ से मुझको जाना पड़ेगा द राइट साइड. यहाँ पर है मोनोरेल का स्टेशन. फ्रॉम देयर आई टू गेट द मोनोरेल टू गो डेस्टिनेशन. एंड कुआलालंपुर का सबसे बढ़िया जगह है जहाँ पर अगर आप ही आ रहे हो रह सकते हो, दैट इज बुकेट बिंटांग. So guys, actually aate aate to KL center, I met with a nice family and they are from there, the Sri Lankan family. Ye jo aunty ji hai, iska ye do ladke, ye ladka hai, ye ladki hai, 19 saal aur 20 saal, 20 saal ka. Okay, what is your name? Yuresh, iska naam hai Yuresh. And they faced a difficult problem because ye log aaye the iska uncle ji ke saath, par raste mein airport mein uncle ji kho gaye. So in logo ke paas paise nahi the, in logo ka bahut difficult problem. पर मलेशिया में किसी को नहीं पहचानते हैं और नया सिम भी नहीं था, तो दे फेस्ड अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स. तो मैंने उन लोगों को मदद किया, मैंने लाया यहाँ पर 7-Eleven में एंड इन लोगों को दिलवाया एक इंटरनेशनल सिम. इंटरनेशनल सिम लेने के बाद इन लोगों ने कॉल किया अपने देश श्रीलंका में और अंकल जी को भी कॉल किया जो एयरपोर्ट में अभी भी फंसे हुए हैं. तो मैं भी अभी लास्ट आधे घंटे से यहाँ पर रुका हुआ हूँ इन लोगों के साथ, बिकॉज ये लोग छोड़ने का नाम ही नहीं कर रहे, बिकॉज बोल रहे हैं अंकल जी को आने दो उसके बाद तुम जाना, यू आर वेरी गुड गाय. सो इन लोगों के साथ थोड़ा सा रुका हुआ हूँ. सो लेट्स सी दैट इज़ कब इन लोग अंकल जी आते हैं इन लोग लेने के लिए. सो उन लोगों को अलविदा करके मैं निकल पड़ा आगे टू गो बुकेट बिंटांग, मेरा जो हॉस्टल है. तो परदेश में किसी को हेल्प करना ये एक बहुत ही, आई एम फीलिंग ट्रस्ट मी टू मच गुड ओवर हियर, बिकॉज
I don't know them. They didn't know me. They are from different country. But apart from that, I have helped them. At last, उन लोग अंकल जी जो है जो एयरपोर्ट में, he is coming on the way. But almost एक से डेढ़ घंटा मैं यहाँ पर रुका उन लोगों के साथ. मुझे भी लेट हो रहा था. Also, I'm feeling too much tired. Secondly, I am feeling too much hungry also, getting too much sleep. So मुझे भी जाना था मेरा hostel. तो मैं निकल पड़ा मेरे destination पे. ये है पूरा KL Center. ये कुआलालंपुर के बहुत ही famous and renowned shopping center है KL Center. बहुत ही बढ़िया well decorated जगह है. KL Center से मुझको भी पकड़ना पड़ेगा monorail. Monorail कैसा होता है मुझे आइडिया नहीं है, because first time I'm going to experience the monorail. Monorail से कुछ ही वक्त में I will be in Buket Bintang. So ठीक है, और एक डेढ़ घंटे पहले मैं पहुंच सकता था, but मेरे पहुंचने से ज़्यादा ज़रूरी काम ये था to just like उन लोगों को जो बिछड़े हुए फैमिली थे अंकिल जी के साथ मिलाना, because they were really very much worried. बहुत ही टेंशन में थे, पैसे नहीं थे उन लोगों के पास ज़्यादा, और किसी को भी नहीं पहचानते थे. So that is the feeling of helping, trust me, just warming me up. बुकेट बिंटंग जाने के लिए मुझको मिल गया है ये टिकट. ये टिकट का प्राइस पड़ा ओनली 250 रिंगेट एंड आई गॉट इट फ्रॉम दिस मशीन. ये दिस टू गर्ल्स, ये दो लड़की मुझको हेल्प किया है टू गेट माय टिकट. यहाँ पर सेल्फ ऑपरेटेड व्हाट इज अ मशीन्स हैं जहाँ से आपको मिल सकता है ये टिकट 250 रिंगेट से. सो अभी मुझको क्या करना पड़ेगा, अभी ये टिकट लेकर मुझको अंदर जाना पड़ेगा टू गेट द मोनोरेल गाइड्स. So, ट्रेन का जो प्लेटफॉर्म है, लेट मी शो यू अप, दिस इज़ द प्लेटफॉर्म ऑफ द मोनोरेल. कुछ तो खास नहीं लगता है, एस इंडिया में, दिल्ली में, कोलकाता में जो मेट्रो रेल है ऐसे ही लगता है. लेट्स सी अंदर कैसे जाए. ओके, इनको प्रेस कर दिया, इस अंदर भी आ चुका हूँ. मुझे जाना है बुकेट बिंटांग, किसी से पूछ लेता हूँ. How to go Buket Bintang? Excuse me, sir, I want to go to Buket Bintang. Yes. This platform? Right. Okay, thank you. Okay, I'm in the right platform. Buket Bintang jane ka platform mein bhi main aa chuka hoon. Just abhi intezar karna padega for the train, for the mono train. Ek cheez main aapko dikhana chahta hoon. Aap dekh sakte ho yahan par main khada hoon monorail ke station mein. पर यहाँ पर देखिए मोनोरेल का जो गेट है उठाते ट्रेन का, वहाँ के सामने है ये दरवाज़ा. मैं जब ट्रेन आता है तभी ये दरवाज़ा ओपन होता है. सो दैट्स वेरी गुड. इससे क्या होता है, जस्ट लाइक एक्सीडेंट का चांस बहुत ही कम हो जाता है. बट मैं जिस शहर से बिलोंग करता हूँ कोलकाता में, जो मेट्रो रेल है बट वहाँ पर ऐसा गेट नहीं है. सो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, बहुत एक्सीडेंट भी हो जाता है, बहुत लोग सुसाइड भी कर लेते हैं. बट दिस सिस्टम इज़ क्विट गुड. गेट लगा रहता है, जब ट्रेन आता है तभी ओपन होता है, अदरवाइज ट्रेन चले जाने के बाद ये फिर से क्लोज भी हो जाता है. दोस्तों ये है मोनोरेल. मोनोरेल का साइज तो बहुत ही छोटा है, जस्ट दो डिब्बों का ये मोनोरेल है. बट स्पीड भी ज़्यादा नहीं है. बट वन थिंग आई टू से थैंक्स टू दिस गर्ल्स, बिकॉज़ दे रियली दे हेल्प मी अ लॉट, बिकॉज़ आई वाज़ नॉट अंडरस्टैंड.
बिल्डिंग कैसे वहाँ से वो मशीन से टिकट निकाला जा सके बट दिस टू गर्ल्स आर जस्ट हेल्प मी आउट एंड फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम माय कॉमन चैनल फ्रॉम माय ऑल सब्सक्राइबर्स आई विल से कॉर्डियली थैंक्स टू बोथ ऑफ यू सो एक्चुअली हर देश ही खूबसूरत होता है हर देश अच्छा बनता है खूबसूरत बनता है लोगों का लोगों से जस्ट कुछ देर पहले मैंने हेल्प किया एक श्रीलंकन फैमिली को देखिए जस्ट विद इन 10 मिनट के अंदर मैं मुझको भी हेल्प मिल गया फ्रॉम द लोकल मलेशियन दो लड़की से सो दैट्स इज फॉर लाइफ गाइस सो आपको दिखा दूँ ये है मोनोरेल का पूरा सीन यहाँ से यहाँ तक मोनोरेल का सीन ये तो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है बट अभी टाइम ऑफिस टाइम नहीं है इसलिए जगह भी बहुत है बट फीलिंग सो मच एक्साइटेड फर्स्ट टाइम ट्रेवलिंग इन द मोनोरेल मेट्रो रेल में तो बहुत जगह में सर आई हैव ट्रेवल बट फर्स्ट टाइम एक्सप्लोरिंग द मोनोरेल बट मोनोरेल इस जगह इसका नाम क्यों हुआ मुझे पता नहीं बट ये मोनोरेल और मेट्रो रेल का कोई डिफरेंस मुझको पता नहीं चला अभी मैं ये मोनोरेल का स्टेशन से मैं बाहर आ रहा हूँ सो 14.50 रिंगेट थोड़ा सा ज़्यादा है एज पर द इंडियन करेंसी कन्वर्जन से बिकॉज एक एक रिंगेट का मेरा जो एक्सचेंज के लिए लगा ऑलमोस्ट 17.50 रुपये सो दैट्स क्वाइट एक्सपेंसिव ठीक है चलो यार इट वैरीज कंट्री टू कंट्री तो ये मैं बाहर आ चुका हूँ आप देख सकते हो मोनोरेल का स्टेशन से बट वन थिंग आई मस्ट से जर्नी में बहुत लोग मिले अभी भी मिलेंगे दैट इज़ अ रियल एक्सपीरियंस ऑफ द सोलो ट्रैवलिंग गाइस अगर सोलो ट्रैवलिंग अगर नहीं किया तो क्या किया आप देख सकते हो व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी इट इज़ एंड इट इज़ माय फर्स्ट डे इन कुआलालंपुर एंड ट्रस्ट मी पहला दिन इतना एक्साइटिंग हो रहा है पहला दिन अभी तो बाकी है बहुत सभी अभी 11:30 बजे है शायद ऑलमोस्ट बट अभी तो पूरा दिन बाकी है अभी हॉस्टल जाना है थोड़ा सा रिफ्रेश होना है उसके बाद अगेन आई विल जस्ट गो एंड आई विल शूट लॉट ऑफ प्लेसेस लेट्स सी आगे आगे होता है क्या सो होप सो गाइस कैसे आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बुकेट बिंटांग आना है बिकॉज बुकेट बिंटांग ही एक बहुत ही फेमस जगह है आपको यहाँ पर होटल मिल जाता है आपको यहाँ पर शॉपिंग के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है तो कैसे आप आ सकते हो यू गॉट द इंफॉर्मेशन होप सो गाइस ये वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा सो दोस्तों सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो